पुलिस आयुक्त के निर्देशन में वाहन चोरों की हुई गिरफ्तारी। मामले के संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर के कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त जोन पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम एवं सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर थानाध्यक्ष रावतपुर के निर्देशन में 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मामले के संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। थाना रावतपुर पर पंजीकृत चोरी के विभिन्न मुकदमों में संबंध में डीजल रावतपुर अंतर्गत 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। रावतपुर में एक गैंग को पकड़ा गया है, क्या है वो? कल दिनांक 7/12/2022 को थाना रावतपुर में पिछले कुछ दिनों से 4 पहिया वाहन जो चोरी हो रहे थे उसके संदर्भ में एक कार्रवाई की गई, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मुख्य जो अभियुक्त हैं उसका नाम प्रवीण कटियार है, जो बिलौर थाने से HSB है, जिस पर 34 अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 307 मामूली लड़ाई झगड़े, NDPS, आर्म सेट, गुंडा, तमाम इन पर जो है यही इस जो गिरोह है इसके सरगना है। इनका मोडस ऑफेंडाई कुछ ऐसा होता है कि ये पुरानी जो गाड़ियाँ पुरानी तकनीक की जो गाड़ियाँ हैं उनको ये लोग टारगेट करते थे, और जो सामान्य जैसे टी पेज प्लस इस तरीके से इनको खोल के इनको चोरी करके इनको काटने का ये काम करते थे। आगे अभी तक इसमें 6 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनमें मुख्य जो है सरगना इसका नाम प्रवीण कटियार है, इसके अलावा अनमोल कटियार, विजय उर्फ नन्हे, राहुल, मुकेश और ताजदार हुसैन, 6 मुख्य गिरफ्तारियाँ इसमें अभी तक हुई हैं। आगे इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का काम अभी किया जा रहा है, इन गाड़ियों को कहाँ लेके जाते थे, कौन कौन इन लोगों को आश्रय देने वाले थे, इस पर अभी काम चल रहा है। जो गाड़ियाँ ये लोग काटते थे जी, उनका क्या करते थे? ये गाड़ियाँ काट के अलग अलग पार्ट में इनको बेचते थे, जैसे लोहा बेच दिया, टायर बेच दिया, इस तरीके से काम करते थे। अभी तक कितने वाहन चोरी किए इन्होंने? अभी तक हमारे प्रकाश में 4 वाहन आए हैं अभी तक की पूछताछ के दौरान। इनको ये लोग बेचते थे उन पर भी होगी? बिल्कुल, डेफिनेटली उनके अंदर भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट उसी का हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का काम इसमें कर रहे हैं। खाली कानपुर के अलावा कहीं और बाहर भी ले जाते थे? अभी तक इन्होंने कानपुर का ही काम हुआ है। कानपुर की अभी कुछ सूचना गोपनीय है जो अपनी इधर से, और संभवतः जल्दी ही इसमें दूसरी कैंप पकड़ी जाएगी इस गिरोह की, और तब अपडेट दिया जाएगा।